हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल ही न्यू रेसिपी, 100% न्यू रेसिपी है ये। इसको मैंने अपने तरीके और अपने आइडिया से मैंने इसे बनाया है और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये स्वीट्स बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी स्वीट्स ये बनकर तैयार हुई है। और इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रीमी लुक है इसका और बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है, तो आप भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएं। हम एक कप बेसन लेंगे और एक कप बेसन में ही मेरी इतनी मिठाई बनकर तैयार हुई थी, आप भी एक कप बेसन ले सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1/4 कप हम घी ऐड करेंगे। इसमें देसी घी ऐड करेंगे। जब हमारा घी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे। घी हमारा मेल्ट हो जाए तो हम इसमें बेसन को डालेंगे और इसे गोल्डन कलर होने तक हम भुनेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे या आप लो फ्लेम पर भी भून सकते हैं, लेकिन बेसन को भुनने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। इसे हम तब तक भुनें जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए और जब तक बेसन में से अच्छी खुशबू ना आए। यदि हम इसको कम भुनने में ही अगर सब कुछ इसका मटेरियल डालकर इसे बना लेते हैं तो ये काफ़ी लूज़ बनता है और इसका टेस्ट इतना यम्मी नहीं बन पाता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रहे कि हमारा बेसन बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर में भुना होना चाहिए। जब तक हम बेसन को भुनते हैं तब तक के लिए हम शुगर सिरप भी रख देते हैं, जिससे कि हमारा कम समय में शुगर सिरप भी बनकर तैयार हो जाए। हम एक पैन लेंगे, पैन में 1 कप शुगर ऐड करेंगे। जितना हमने शुगर ऐड किया है उसका हाफ हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। जब भी हम शुगर सिरप बनाते हैं तो जितना हमने शुगर डाला है उसका हाफ हमें वाटर डालना होता है। तो हम इसमें इस कप से 1 कप शुगर ली थी तो हाफ कप वाटर डालूंगी, तो आधा कप पानी हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे जिससे कि ये हमारा शुगर सिरप तैयार होता रहे। बेसन को हम इस तरीके से भूनते रहेंगे। जब हमारा बेसन भुन जाता है तो ये घी छोड़ने लगता है। यदि आपका बेसन मोटा है तो उसे ज़्यादा घी चाहिए, इसलिए आप कम घी में भी उसे बना सकते हैं, पर तब आपको बेसन का गोल्डन कलर होने पर ही उसमें शुगर सिरप ऐड कर देना है। आप बेसन को इस तरीके से भूनते रहेंगे। बेसन को भूनने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं, उसको एक अच्छा कलर आने में और उसका कच्चापन दूर होने में 10 मिनट लग जाते हैं। अब हमारा बेसन घी छोड़ चुका है और अब हम इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे। हमने इसमें प्रॉपर घी ऐड किया था और हमारा बेसन पतला था इसलिए इसमें घी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें शुगर सिरप ऐड करते हैं, चेक करते हैं हमारा शुगर सिरप कैसा बना है। शुगर सिरप गाढ़ा होना चाहिए और इस टाइप का जब चिपचिपा होने लगे तो हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार हो जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि एक तार की चाशनी की शुगर सिरप। अब यह हमारा शुगर सिरप तैयार है, अब हम इसको डालते हैं इसमें। हमने जितना शुगर सिरप बनाया इतने में इसमें सारा यूज हो गया, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट मेजरमेंट था। आप भी इसको इतने ही मेजरमेंट लेकर इसे बना सकते हैं। आप इसे चाहें एक कप से या किसी एक बाउल से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जितना शुगर सिरप बनाया था सब इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें मिल्क मावा ऐड करेंगे। ये मावा जिसको मैंने गाढ़ा किया है, 500 ml हमने मिल्क लिया था और उसको मैंने गाढ़ा करके 125 ml बनाया। तो ये हमारा एक टाइप का मिल्क मावा है जो लिक्विड में है, बिल्कुल इसे मावा नहीं बनाना है, इसको थोड़ा लिक्विड में ही रखना है। तो इस तरह आप भी इसे 500 ml मिल्क लेकर उसे जलाकर इस टाइप से बना सकते हैं। इसमें मैंने फुल फैट मिल्क लिया था जिसको मैंने 125 ml बनाया, तो आप भी इसे इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसे मिक्स करते रहेंगे और अब हम इसमें कुछ इलायची के दाने जिसको मैं क्रश कर ली हूँ इसमें ऐड करूँगी और इसे मिक्स करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक यह बिल्कुल थिक ना हो जाए। जब ये थिक हो जाता है तभी हम इसे बाहर निकाल सकते हैं और ये बहुत अच्छा शेप लेकर बन सकता है, इसलिए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से थिक ना हो जाए।
अब यह हमारा इतना थिक हो चुका है, बट अभी इसे हमें 2-3 मिनट और कुक करना है जिससे कि ये और अच्छा थिक हो जाए, तब हम इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे पकाने में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इसे तब ही निकालें जब इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो जाए, वरना ये हमारा स्वीट्स अच्छे से बन नहीं पाता है। तो हमें इसे बिल्कुल थिक बनाना है। अब ये हमारा इतना थिक हो चुका है और हमें इसे इतना ही थिक बनाना है। तो देखिए इस टाइप की इसमें थिकनेस आ गई है। तो अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे इस पे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा ठंडा हो जिससे कि हम इसे अच्छे से हाथ में लेकर बना सके। तो इतना हमें ठंडा कर लेना है इसे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और इस बॉल में हम इस कप से हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इतना ही जितना हमने मिल्क पाउडर लिया है उतना ही हमें इसमें ग्रेटेड कोकोनट लेना है। कोकोनट पाउडर, ग्रेटेड कोकोनट ऐड करना है इसमें। और इसमें हम 1 स्पून बटर ऐड करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इस टेबल स्पून से ही इसमें 3 स्पून मिल्क ऐड करेंगे जिससे कि ये जो हमारा मिक्सचर है इसकी बॉन्डिंग अच्छे से बन सके। अब हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 स्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक पॉलिथीन लेंगे और इस पे जो हमने तैयार किया है बेसन का मिक्सचर इसमें डालेंगे। इसे एक डो की तरह हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसे पॉलिथीन के ऊपर से ही हम इस तरह करेंगे इसे, जिससे कि ये और सॉफ्ट हो जाए एक डो की तरह। अगर हम इसे हाथ से करेंगे तो ये हमारे हाथ में चिपकने लगेगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे और अभी ये थोड़ा गर्म रहेगा जिससे कि ये आसानी से हो सके। तो इस तरीके से हमें इसे बना लेना है। हमें इसका बिल्कुल इस तरह से गोल कर लेना है, ऐसे गोल। जो हो गया इस तरह से और इसको हम इस तरह से दबा लेंगे। ये इस तरह से हम दबा लेंगे। हमें इसे रोल करना है ऐसे लंबा सा, लंबे में हमें इसे रोल करना है। बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, बस ऐसे लंबे में हमें इसे रोल करना है। जो ये रोल किया है इस पे हमें ये लगाना है और इतना हाफ पे ही हमें इसे लगाना है। नारियल का मुदादा लगाना है, ये ग्रेटेड कोकोनट है, इस तरीके से हमें इस पे ऐड करना है। अब हम इसको इस टाइप से फोल्ड करेंगे ऐसे। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। चॉप्ड किए हुए बादाम है और काजू है, आप चाहे तो इस पे पिस्ता भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इन पे फैलाएंगे। अब हम ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से लगाकर इसे रूम टेम्परेचर पर हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि ये थोड़ा और अच्छे से सेट हो जाए, टाइट हो जाए। तब हम इसे अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसे कट करेंगे। अब मैं इसे कट करने के लिए एक छोटा सा ढक्कन ली हूँ। यदि आप चाहें तो किसी बाउल या ग्लास ले सकते हैं जिसका साइज छोटे में है और आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इस टाइप के साइज से एक पेड़े के साइज में इसे कट कर रही हूँ।
इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। और इस तरीके से कट करने से ये बिल्कुल मार्केट जैसा दिखता है और साइज भी इसका एक इक्वल बहुत अच्छा रहता है। तो आप भी किसी एक चीज़ को लेकर उससे कट कर सकते हैं। इस तरीके से हम सभी मिठाइयों को कट कर लेंगे और ये हमारा यम्मी स्वीट्स बनकर तैयार हो चुका है। और बचे हुए को हम इस टाइप से बॉल बना लेंगे। ये बॉल्स भी दिखने में बहुत ही अच्छे लगने हैं, इस टाइप में हम इसे बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बेसन क्रीमी पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है, जो बहुत ही यम्मी है। और आप भी इसे बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।